इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಔರ್ ಅಭಿ ಥೋಡಾ ಢೂಂಡೆಂಗೆ ತೋ ಔರ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಮೋದಿ ನಿಕಲೆಂಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸನಾತನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇ ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೈ. ಮೈ ಹೂ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ. ರಾಜಾ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಪ್ನೆ ನ್ಯಾಯ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೈ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ಉನ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೋ ಆಜ್ ಬಾರೀಕಿ ಸೆ ಸಮಝ್ನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಹೈ. तो इससे पहले कि आज हम राहुल गांधी को मिली सजा पर बात करें, जरा एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए. एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे और वे रास्ता भटक गए. अपने राज्य का रास्ता खोजते समय उनका घोड़ा एक खेत में घुस गया. घोड़े की वजह से फसल खराब हो गई. खेत का मालिक किसान वहीं खड़ा ये सब देख रहा था. वो जोर से चिल्लाया कि मेरी फसल तो बर्बाद हो गई. राजा को लगा कि किसान ने देख लिया है, उसका नुकसान हो गया है. वे घोड़े से उतरे और किसान के पास जा पहुंचे. किसान बोला, घुड़सवार, तुम तो बहुत लापरवाह हो. तुमने अपराध किया है, तुमने मेरी फसल खराब की है, इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए. मैं राजा विक्रमादित्य से इसकी शिकायत करूंगा, वे न्यायप्रिय हैं और तुम्हें अवश्य दंड देंगे. विक्रमादित्य समझ गए कि ये किसान मुझे नहीं जानता है, लेकिन मेरी न्याय व्यवस्था पर इसे भरोसा है, मुझे इसके विश्वास की रक्षा करनी होगी. राजा ने उसी समय अपने घोड़े पर लगा कूड़ा निकाला और किसान से कहा कि तुम अभी इसी वक्त मुझे 5 कूड़े मार लो. किसान बोला कि ये काम मेरा नहीं है. इसके बाद विक्रमादित्य ने खुद अपने हाथों से अपनी पीठ पर 5 कूड़े मार लिए और वहां से चले गए. अगले दिन किसान विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा. उसे घुड़सवार की शिकायत करनी थी. उसने जैसे ही राजा को देखा तो वो शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वो घुड़सवार ही राजा विक्रमादित्य थे. दोस्तों, कहानी की सीख ये है कि न्याय की नजीर पेश करना बहुत जरूरी है. जो न्यायाधीश हैं, जो बड़े पदों पर हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने आचरण से लोगों को बताएं कि कानून का पालन कैसे किया जाता है, तभी दूसरे लोग नियमों को समझेंगे. पर आज मामला शायद थोड़ा उल्टा है. रात दिन संविधान की दुहाई देकर कानून को सर्वोपरि बताने वाले नेताओं पर जब उसी कानून के तहत कार्यवाही होती है, तो फिर वो किस तरह न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है मोदी सरनेम वाला ये पूरा मामला. राहुल गांधी पर हुई इस कार्यवाही को कर्म का फल कहा जाए तो शायद ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले का दोष राजनीति की अनिश्चितताओं और उसके गिरते स्तर पर मढ़ा जा सकता है. क्योंकि राजनीति में अपनी बात को सबसे ऊपर रखने की होड़ और दूसरे को गलत साबित करने की जल्दबाजी में नेता क्या कुछ कह जाते हैं, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं होता है. वैसे अगर राहुल गांधी ने ये दो बड़ी गलतियां ना की होती तो आज शायद वो मोदी सरनेम को चोर बोलने पर भी माननीय बने रहते. उन्हें अपनी संसद सदस्यता न गंवानी पड़ती. एक गलती उन्होंने वर्तमान में की है जज के सामने कोर्ट में, और दूसरी गलती उन्होंने 2013 में की थी. इन दोनों ही गलतियों को आज हम आपको विस्तार से बताएंगे. दरअसल 2013 में राहुल गांधी ने एक बिल को फाड़ कर फेंकने की बात की थी, लेकिन अगर तब राहुल उस बिल को पास हो जाने देते तो आज उनकी संसद सदस्यता पर खतरा नहीं पैदा होता. वो बिल तत्कालीन मनमोहन सरकार में लाया गया था. साल 2013 के सितंबर महीने में यूपीए सरकार ने एक अध्यादेश पेश किया था. इसका मकसद उसी साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को निष्क्रिय करना था, जिसमें अदालत ने कहा था कि दोषी पाए जाने पर सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी. लेकिन राहुल गांधी ने अचानक दिल्ली में अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बिल पर बवाल कर दिया और उसे नॉनसेंस बताते हुए फाड़ कर फेंक देना चाहिए कहा था. सुनिए उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या कहा था. आई कॉल्ड अप माकन जी एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग. आई हैड सम वर्क विद हिम एंड ही सेड दैट आई एम हियर विद द प्रेस, मीट द प्रेस. एंड आई सेड क्या बातचीत हो रही है. सो ही सेड वेल ऑर्डिनेंस के बारे में बातचीत हो रही है. सो आई सेड व्हाट एंड ही सॉर्ट ऑफ गेव मी द एक्सप्लेनेशन. ही गेव मी द लाइन, राइट, द पॉलिटिकल लाइन दैट एवरीबॉडी विल गिव यू, द कांग्रेस विल गिव यू, द बीजेपी विल गिव यू, एवरीबॉडी विल गिव इट टू यू.
I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. दरअसल मनमोहन सरकार पर आरोप लगे थे कि वो भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए इस अध्यादेश को लाया गया है। उस दौरान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी चारा घोटाले को लेकर अयोग्यता की तलवार लटक रही थी। जन प्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी संसद और विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और अब राहुल गांधी भी कुछ इसी तरह के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। इस पूरे मामले में कहा ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी जब कोर्ट में सुनवाई के वक्त वहां पर मौजूद थे तो उनसे न्यायालय द्वारा अपने वक्तव्यों को वापस लेने के लिए भी कहा गया और माफी मांगने के लिए कहा गया, यानी न्यायालय ने राहुल गांधी को एक आखिरी मौका भी दिया लेकिन उन्होंने शायद वहां पर भी एक बड़ी गलती कर दी। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ऐसे पहले नेता नहीं है जिनकी सदस्यता गई है, इससे पहले भी कई ऐसे नेताओं की सदस्यता फैसले के बाद चली गई है। आइए अब जानते हैं कि किन किन नेताओं को जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। लालू यादव को चारा घोटाले के बाद संसद सदस्यता गंवानी पड़ी। रशीद मसूद MBBS सीट घोटाले में 4 साल की सजा पाने के बाद उनकी सांसदी चली गई। अशोक चंदेल उम्र कैद होने पर विधायकी चली गई। कुलदीप सेंगर उम्र कैद होने पर विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई और अब्दुल्ला आजम 2 साल की सजा पाने के बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। हालांकि अब बड़ा सवाल यह है कि अब तक जिन जिन बयानों पर राहुल गांधी ने माफी मांगी है, क्या वो माफी नहीं मजाक था? चाहे वो चौकीदार चोर है वाले नारे पर ही मांगी गई माफी क्यों ना हो। रही बात सावरकर की, तो उन्होंने बिना चुनाव लड़े अपना पूरा जीवन देश के नाम कुर्बान कर दिया और वो जेल जाने से भी कभी नहीं डरे। इसके बावजूद उन्होंने जेलों में कितना कष्ट सहा ये भी किसी से नहीं छुपा है। इन सब के बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी व सामाजिक संगठन है। इसके उलट अगर देखा जाए तो राहुल गांधी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो आजादी के पहले से ही एक बहुत बड़ी राजनीतिक संस्था थी। उसके बाद भी आज तक राहुल गांधी सावरकर जैसा कोई क्रांतिकारी आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाए और शायद आज वो जेल जाने से भी डर रहे हैं और चुनाव न लड़ पाने की खीज भी शायद उनमें होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।